कौमी शाहरा पर आमदरफ्त बंद थी, लेकिन अब बड़ी खबर और बड़ी राहत के तौर पर क्या कुछ पंजाब से इस वक्त सामने आ रहा है। बिल्कुल, पंजाब से बड़ी खबर, जहां पर किसानों का धरना चल रहा है और मुसाफिर ट्रेनों को 15 दिनों तक चलने की फिलहाल किसान यूनियंस की तरफ से इजाजत देने का फैसला ले लिया गया है। लेकिन आपको ये बताते चले, जहां पर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी भी रेल रोको तहरीक का एक हिस्सा थी, उसने फिलहाल इस प्रोटेस्ट को यानी इस धरने को जारी रखने की बात कही है। करीब ऐसी 30 तंजीमें हैं जिनकी तरफ से एहतजाज या जो धरना है, रेलवे ट्रैक्स को बंद किया गया है। और आज 2 माह उस कानून के बाद जो ज़रात से मुतल्लिक जो कवानीन मरकजी सरकार की तरफ से बनाए गए थे, उसके बाद धरने पर बैठे थे, अपने मामलात को लेकर अपने मसाइल सरकार के सामने रखने की बात हो रही थी, मुसलसल ये धरना चल रहा था और मुतालबात पूरे ना होने की सूरत में एहतजाज दोबारा शुरू होगा यूनियंस की तरफ से कहा गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जहां पर 2 दर्जन से ज्यादा ऐसी तंजीमें हैं जिनकी तरफ से एहतजाज या जो धरना उनकी तरफ से रेलवे ट्रैक्स पर दिया जा रहा था, वो खत्म करने की या 15 दिनों तक उसमें फिलहाल रियायत की बात कही है। लेकिन कुछ ऐसे संगठन है, कुछ तंजीमें हैं जिनकी तरफ से फिलहाल अपना प्रोटेस्ट जारी रखने की बात कही गई है। सीधा आपको पंजाब लिए चलते हैं, हमारे साथ इस वक्त हमारे सीनियर साथी नवदीप छाबड़ा फोन लाइन पे है। नवदीप, क्या कुछ और जानकारी है, क्योंकि 2 दर्जन के करीब ऐसे संगठन है जिनकी तरफ से प्रोटेस्ट खत्म करने की बात या 15 दिनों तक रेलों को चलने की इजाजत दी जा रही है, लेकिन कुछ ऐसे संगठन जो अभी भी जिद पर अड़े हुए हैं। देखिए, बिल्कुल आसिफ, कल हमने देखा कि चंडीगढ़ के पंजाब भवन के अंदर करीब 2 घंटे पंजाब के मुख्यमंत्री और 29 किसान संगठन थे, उनके बीच जो बैठक चली, और उस बैठक के बाद एक बड़ा फैसला लिया गया कि पंजाब के अंदर मालगाड़ियों के अलावा जो यात्री ट्रेन है, मुसाफिर ट्रेनें हैं, उनको भी छूट दे दी गई है। लेकिन इसमें एक शर्त जरूर रखी गई है किसान संगठनों की तरफ से कि 15 दिनों के लिए वो छूट दे रहे हैं, और 15 दिनों के अंदर केंद्र सरकार को चाहिए कि वो बातचीत के लिए किसान संगठनों को दिल्ली बुलाए, और सार्थक बातचीत जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि किसान संगठनों का ये साफ तौर पर कहना है कि किसी भी कीमत पर वो इस बात को लेकर अड़िंग है कि जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं होंगे तब तक वो अपना प्रदर्शन नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इसी बीच जो एक किसान मजदूर एकता यूनियन है, उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि वो जो 3 किसान संगठनों ने फैसला किया है यात्री ट्रेन छोड़ने का, वो उस फैसले का समर्थन नहीं करते। यानी कि पंजाब के अंदर अभी भी एक संगठन ऐसा है जो 30 किसान संगठनों के अलावा अपना एक अलग ऐलान कर चुका है, और उनका कहना है कि हमारा जो फैसला यात्री ट्रेन को रोकने का है वो लगातार बदस्तूर जारी रहेगा। यही कारण है कि अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि अब केंद्र सरकार अगला फैसला क्या कुछ लेगा, क्योंकि सोमवार से जो कल यानी कि कल सोमवार से पंजाब के अंदर हरी झंडी दे दी गई है कि पंजाब के अंदर कोई भी रेलवे ट्रैक पर धरना नहीं होगा, किसी भी रेलवे स्टेशन पर कोई किसान संगठन धरना नहीं देंगे और पूरी तरीके से रेलवे ट्रैक को खाली करेंगे। लेकिन अभी भी अब ये सस्पेंस बना हुआ है कि इस पर क्या कुछ फैसला आगे होगा, लेकिन पंजाब फैसले को अपनी एक बड़ी जीत जरूर मान रही है। नवदीप, सीएम की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, उनकी तरफ से भी जरूर किया गया इस डिसीजन का, पंजाब के अंदर बनी हुई है अब उसको खत्म करने के लिए केंद्र सरकार को भी आगे आकर प्रयास करना चाहिए। नवदीप, एक चीज और बताइएगा, सीएम ने कल जरूर स्वागत किया है इस फैसले का, लेकिन बड़ी बात यह है कि एक इनमें कीर्ति किसान यूनियन है, एक बड़ा संगठन है, और किसान मजदूर संघर्ष कमेटी, ये भी फिलहाल जिद पर अड़ी है, और तीसरा जो आप संगठन जिसका नाम बता रहे हैं, तो क्या जो राज्य सरकार है वो किसानों के साथ बात करने में अभी तक सफल सिद्ध हुई है, उनकी कोई बात केंद्र तक पहुंची और क्या कुछ रिस्पॉन्स मिला वहां से? देखिए, बिल्कुल एक संगठन ऐसा है, 2 संगठन में कुल पंजाब के अंदर 31 किसान संगठन आसिफ और 29 किसान संगठन कल जो सीएम के साथ बैठक हो रही थी उसमें जो था वो पहले से अलग है, और दूसरा जो कहीं ना कहीं कृषि किसान यूनियन या फिर किसान मजदूर यूनियन है वो एक संगठन जलंधर के अंदर उनका वर्चस्व है, उन्होंने कल इस बैठक के बाद ऐलान किया कि हम इस फैसले का स्वागत जो है वो नहीं करते और हम यात्री ट्रेन जो रोकना जारी रखेंगे। लेकिन ये कहा जा सकता है कि उस संगठन का इतना जनाधार नहीं है, लेकिन फिर भी आज पंजाब किसान या पंजाब सरकार के कई नेता जो है उनसे संपर्क कर सकते हैं, तो हो सकता है कि आज उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी कर दी जाए। लेकिन ये जरूर है कि एक बड़े दिनों से पंजाब सरकार के कई मंत्री जो किसान संगठनों से लगातार ये बातचीत कर रहे थे कि आप पंजाब के इकोनॉमी के हालातों को देखते हुए यात्री ट्रेन चलाने की छूट दें, लेकिन किसान इस पर लगातार अड़े हुए थे कि वो यात्री ट्रेन चलाने की छूट नहीं देंगे, पहले केंद्र सरकार को चाहिए कि वो मालगाड़ियां चलाए। लेकिन कल जो उम्मीद की जा रही थी पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से कि किसान मान जाएंगे, क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री ने
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री से भी मिलने का समय मांगा, तो ऐसे में वो चाहते थे कि पहले किसान संगठनों से वो बातचीत करें और यहाँ से अगर कोई रास्ता निकलता है तो आगे वो बातचीत करेंगे। यही कारण है कि पहले दौर की जो बातचीत थी वो सफल रही और पंजाब के मुख्यमंत्री, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा और आज किसी भी वक्त हो सकता है कि पीएमओ से मिलने का जो वक्त है वो मिल जाए और उसके बाद पीएम दिल्ली जाएंगे और उसके पूरे बातचीत करेंगे। लेकिन ये आसिफ जरूर है कि भले ही ट्रेनों को रोकने का फैसला जो है वापस ले लिया गया है, लेकिन किसानों का ये साफ तौर पर कहना है कि जो पंजाब के अंदर टोल प्लाजा बंद है, एयरलाइंस पंप बंद है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि रेलवे की तरफ से ट्वीट किया गया और रेलवे की तरफ से कहा गया कि पंजाब हुकूमत की तरफ से ये कहा गया कि अब सारे रेल ट्रैक जो है वो क्लियर है और वहाँ पर आप ट्रेन सर्विस जो है वो रेस्टोर कर सकते हैं। ये कम्युनिकेशन जो है वो पंजाब हुकूमत की तरफ से दिया गया है और साथ साथ रेलवे महकमे की तरफ से साफ कर दिया गया कि ये क्लियरेंस आने के बाद आज दिन में ये हतमी शेड्यूल दिया जाएगा कि कौन कहाँ और कितने बजे से ट्रेन जो है वो चलेगी। अब ये फ़ायदा इसका जनाब जम्मू कश्मीर में भी आप देखेंगे। इस खबर को इसलिए हमने दिया था क्योंकि जम्मू कश्मीर से भी जो लोग बराह ट्रेन सफ़र करते हैं बैरून मुल्क, काफ़ी मुश्किलें थी, नहीं जा पा रही थी और फिर गुड सर्विसेज लेकर जो ट्रेनें आती थी वो भी किल्लत पैदा हो रही थी और एयरफोर्स अपनी आर्मी को लेकर भी काफ़ी मुश्किलें जो थी वो आ रही थी। तो अब ये जो मामला है, माना जा रहा है कि आज वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में हो सकता है मीटिंग हो, एक डेट उन्हें दिया जाए, उसके बाद वो आज के वज़ीर-ए-आज़म से मिलेंगे। फिलहाल मामला जो है वो ठंडा पड़ता हुआ नज़र आ रहा है और किसान एहतजाज जो है वो लगभग खत्म होते हुए नज़र आ रहा है और ट्रैकों को क्लियर किया जा रहा है।